72,000 कितने समय में? कहते राहुल जी एक साल में। मैं कहा अच्छा, हेलो भैया चेक करना पड़ता है, जब गरीबों के लिए काम कराया जाता है चेक करना पड़ता है, डबल चेक करना पड़ता है, ट्रिपल चेक करना पड़ता है। मैंने बताओ 72,000 रुपए एक साल में कितने लोगों के लिए? कहते हैं 25 करोड़ लोगों के लिए। मैं सर बताऊं बहेलिया, मैं आपको सर बताऊं बहेलिया, मैंने बोला ही आपने कैसी बात कर दी। आप मुझे बोल रहे हो कि 5 करोड़ परिवारों को कहते हमने दुनिया के सबसे टॉप इकोनॉमी से पूछा है, हिंदुस्तान के सबसे टॉप इकोनॉमी से पूछा है, राहुल जी नुकसान नहीं होगा फायदा होगा। मैंने कहा कैसे? कहते राहुल जी जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, हिंदुस्तान के व्यापारियों पर, छोटे बिजनेस वालों पर, मिडिल साइज बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण किया, जब उन्होंने उनकी जेब से पैसा निकाला, बहुत भयंकर नुकसान हुआ, लोगों को चोट लगी। मगर एक और चीज हुई, मैंने कहा क्या? कहते हैं जैसे ही लोगों की जेब से पैसा निकला, अनिल अंबानी की ओर गया, हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया, कट से पैसा नहीं था जेब में। तो जो पहले शर्ट खरीदते थे, पैंट खरीदते थे, जूता, काला चश्मा, फोन, लोगों ने कहा भैया पैसा नहीं, रुक जाओ, ब्रेक लगा। अब किसी भी दुकानदार से पूछ लो, दुकानदारों का बिजनेस खप हुआ। जैसे ही दुकानदारों का बिजनेस खप हुआ, माल नहीं बिका, वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिकों ने बुलाया, युवाओं को इधर आओ, उधर आओ, चलो आ जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वहां के दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा है, फैक्ट्री को फ्री में थोड़ी चलाएंगे, तुम्हारी कॉस्ट हम अपने सिर पे क्यों डालें, चलो भाग जाओ, भाग जाओ। और करोड़ों युवाओं को हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों से निकाल दिया, दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकाल दिया। आप ये बात किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, मिडिल साइज बिजनेस वाले से पूछ लो, दुकानदार से पूछ लो, जैसे ही यह हुआ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप गड्ढे में घुस गई। फायदा हुआ अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए, विजय अंबानी 33,000 10,000 सोने। मगर जो ये देश की रीढ़ की हड्डी थी, जो स्ट्रेंथ थी, जिसके बारे में अमरीका का राष्ट्रपति ओबामा बोल रहा था, वो जैन हो गए। कमरे ने मुझे समझाया, राहुल जी न्याय योजना का पैसा 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा, जैसे ही जाएगा वैसे ही ये 25 करोड़ लोग माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, जूता, सेलफोन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, जैसे ही ये लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की दुकानें, दिल्ली की दुकानें चालू हो जाएंगी, सबसे पता चालू हो जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान की छोटे व्यापारियों की दुकान चालू होगी, माल बिकना शुरू होगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, दिल्ली की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्रियों के मालिक एक बार फिर युवाओं को बुलाएंगे, चलो वापस आओ, माल बिकना शुरू हो गया, चलो वापस आओ, इधर आओ, चलो फैक्ट्री में काम करना शुरू करो। नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, सुनिए, इस देश का सबसे जरूरी औजार, इस देश की शान, इस देश की शक्ति, पिछले 30 साल से हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी इकॉनमी है। अगर इस देश में कुछ हुआ, अगर ओबामा जी कहते हैं हिंदुस्तान हमसे मुकाबला कर सकता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के कारण हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हुआ। देशभक्त नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान
छोटे दुकानदारों को चोट मारी, मिडिल साइज बिजनेस वालों को चोट मारी,